अग्नाशय कैंसर के जोखिम कारक यानी कि रिस्क फैक्टर्स कुछ इस प्रकार हैं। उम्र के साथ साथ अग्नाशय यानी कि स्वादुपिंड के कैंसर का विकास का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग जिनमें अग्नाशय के कैंसर का विकास होता है उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक अग्नाशय का कैंसर का निदान किया जाता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं उनमें दूसरे लोगों की तुलना में अग्नाशय कैंसर का रिस्क 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। नियमित रूप से ज्यादा चर्बी वाला खाना खाने से इस कैंसर का रिस्क बढ़ता है। रिसर्च से ये पता चला है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में यानी कि ओबेस व्यक्तियों में अग्नाशय का कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। लंबे समय से अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करने से भी ये रिस्क बढ़ता है, जिसका मुख्य कारण पैंक्रियाटाइटिस यानी कि पैंक्रियाज में सूजन आना है। अग्नाशय का कैंसर परिवार में और परिवार के सदस्यों में हो सकता है। यदि 2 या अधिक प्रथम डिग्री रिश्तेदार या परिवार में कम से कम 3 सदस्यों को अगर अग्नाशय का कैंसर का निदान हुआ है तो इससे फैमिली के अन्य मेंबर्स में भी इसका रिस्क बढ़ता है। प्रथम डिग्री रिश्तेदारों का मतलब ये होता है माता पिता, बच्चे, भाई बहन। जेनेटिक टेस्टिंग से इस प्रकार की बीमारी का निदान किया जा सकता है। इसके लिए हमें जेनेटिक काउंसलर से मिलना चाहिए। कुछ वंशानुगत सिंड्रोम्स होते हैं जिसको हम हेरिडिटरी सिंड्रोम कहते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस, प्यूट्स जैगर सिंड्रोम। इन मरीजों में परिवार के सदस्यों में स्वादुपिंड यानी कि अग्नाशय का कैंसर का रिस्क रहता है। इसको भी हम जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा चेक कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव पाया जाता है तो कुछ सटीक स्क्रीनिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम अग्नाशय में उद्भव होने वाले ट्यूमर को पहले से डिटेक्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस एक अग्नाशय की सूजन की बीमारी है, जिसमें अग्नाशय में दर्द होता है। रिसर्च से ये पता चला है कि जिन मरीजों को क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है उनमें आगे जाके कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। हम काफ़ी मरीज ऐसे देखते हैं जिनको डायबिटीज यानी मधुमेह का डायग्नोसिस होता है और 1-2 महीने में ही पैंक्रियास कैंसर का भी निदान किया जाता है। इसका कारण ये है कि अग्नाशय का कैंसर अग्नाशय में से जो इंसुलिन की मात्रा है उसको असर करता है, जिसके कारण मधुमेह होता है। पर डायबिटीज का अग्नाशय के कैंसर के साथ सीधा रिलेशन अभी तक निश्चित नहीं हुआ है।